इसकी हाइट जो है थोड़ी सी हल्की, और ऊपर वो इतना ये पतला दे दिया है कि कहूँगा कि अगर लो बजट में कोई अगर लेना चाहता है, एवरेज के अकॉर्डिंग अगर कंपेयर करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा एवरेज कोई बाइक दे रही होगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है और फिर से नई वीडियो में। मेरा नाम है विनोद कुमार और आप देख रहे हो अपने चैनल एडवेंचर विद विनोद को। तो आज से पहले मैंने एक ओनरशिप रिव्यू आपको दिया था शाइन 100 का, तो उसमें हमारे जोमेटो वाले भाई थे हमारे साथ, उन्होंने आपको कुछ बातें बताई थी कि बाइक के अंदर कमी है या कुछ है वैसे ही, मतलब कि वो तो चलो राइड वाले थे। अभी एक हमारे साथ हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, वो उन्होंने अपनी अभी शाइन 100 ली थी, आप देख रहे हो, तो इसमें कुछ उनको थोड़ी बहुत मतलब कि क्या कमी है और क्या अच्छा है क्या बेकार है सिटी राइड में, मतलब जो नॉर्मल राइड यूज़ करते हैं ना, नॉर्मल घरों में यूज़ करते हो आप लोग, तो उस हिसाब से आपको ये बाइक मतलब क्या एक्सपीरियंस देने वाली है आगे के, मतलब जब आप ख़रीदोगे तो उस टाइम, तो इसी बारे में आज हम आपसे बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो साथ ही साथ आपको ये भी पता लगेगा कि ओनर का एक्सपीरियंस कैसा है, मतलब जो नॉर्मल चलाते हैं अपने घरों वगैरह में, तो अभी उनसे हम बात करेंगे और आपको दिखाएंगे सारा कुछ इसी वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि ये बाइक हमारे दोस्त की है, तो हमारे दोस्त हमारे साथ खड़े हैं, इनका नाम है मंसूर अली खान। ये बाइक दोस्तों मैंने परचेज़ की थी अभी लास्ट मंथ, तो जो मेरा पर्सनल रिव्यू है इस बाइक को लेके वो ये है कि अगर हम डेली यूज़ के लिए इसको यूज कर रहे हैं तो ठीक है उस हिसाब से, बट इससे पहले जैसे कि मैं डिस्कवर यूज कर रहा था 125, वो डिस्क ब्रेक के साथ थी, तो देखा जाए तो उसके अकॉर्डिंग तो ये बाइक नहीं है कहने का मतलब, बट एवरेज और जिस तरह से कहने का मतलब ये है कि आप जितना पैसा इसके ऊपर लगा रहे हो उस हिसाब से देखा जाए तो 76,000-75,000 में ये अच्छी बाइक है। ये मेरा पर्सनल रिव्यू है, अच्छी बाइक है, एवरेज भी इसका 75+ है जो अभी तक मैंने ऑब्जर्व किया है, और मिडिल फैमिली के लिए मेरे हिसाब से बाइक बहुत अच्छी है, और मुझे नहीं लगता कि इस रेट में जो अभी होंडा ने साइंस और सीसी लॉन्च किया है, मुझे नहीं लगता कि बजाज या कि और किसी कंपनी ने, अगर कंपेयर करें HF डीलक्स के साथ तो जहाँ तक मैं मानता हूँ कि वो भी आई थिंक इससे ऊपर ही है, हाँ थोड़ा सा तो प्राइस में ज़्यादा है वो। प्राइस में ज़्यादा है, तो अकॉर्डिंग अगर उस बजट के हिसाब से हम काउंट करते हैं तो बाइक बहुत अच्छी है। सेल्फ के साथ में 76,500 की ये बाइक कंप्लीट मेरे को पड़ी हुई है कैश में। तो ये था इनका पर्सनल एक्सपीरियंस जो कि मतलब इन्होंने अभी तक इस बाइक के साथ साथ एब्जॉर्ब किया है। अभी ये बाइक चल चुकी है टोटल 2,159 किलोमीटर, टोटल 2,159 किलोमीटर चल चुकी है। अभी हम पूछेंगे कि इस बाइक के साथ मतलब क्या प्रॉब्लम आई है, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं। वैसे प्रॉब्लम्स ज़्यादा नहीं है, मुझे भी देखने से लग ही रहा है कि ज़्यादा प्रॉब्लम्स वैसे कुछ इसमें आती नहीं है ज़्यादा, मतलब पहले भी मैंने टेस्ट राइड वगैरह ली है। बाकी अगर ये ऑनर हैं और ये पर्सनली चलाते हैं तो इनको पता होगा कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, वो सभी कुछ आपको बताएंगे। तो फिर आप थोड़ा सा बताइए कि इसमें मतलब अभी तक कोई भी प्रॉब्लम मतलब जो भी हो हमारे जनता को। नहीं देखो, जो मैंने ऑब्जर्व किया प्रॉब्लम तो फिलहाल अभी तक कोई नहीं आई, और ऐसा भी नहीं है कि मैं फर्स्ट टाइम बाइक यूज नहीं कर रहा हूँ, इससे पहले भी मेरे पास डिस्कवर थी, उससे पहले प्लेटिना थी, और अभी एक डिस्कवर है भी मेरे पास, तो ऐसा नहीं है कि मैं फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ, तो जो मैंने ऑब्जर्व किया कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है बाइक में, बाइक ठीक चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, और मेन एवरेज का है, एवरेज बहुत अच्छी है इस बाइक की। बाकी कुछ चीज़ें हैं क्वालिटी के साथ थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ किया हुआ है इन लोगों ने, तो वो चीज़ें हैं, बाकी तो ठीक है, नो डाउट बाइक अच्छी है। तो बाइक तो बहुत अच्छी बताई है हमारे कस्टमर ने। अगर आप लोग सिटी राइड में वगैरह लेने के चलाने के लिए ले रहे हो, सिटी राइड में अगर आप चलाते हो तो उसके हिसाब से भी काफ़ी अच्छी बाइक होने वाली है। और साथ ही साथ इसकी जो बिल्ट क्वालिटी है, जो इसका मटेरियल यूज़ हुआ है, वो कंपनी ने कैसा यूज़ किया, मतलब आपको कैसा लगता है, मतलब जो थोड़ा हाई स्पीड पर चलाते हो या फिर मतलब कुछ फील होता है, मतलब इस मतलब ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है तो, या फिर मतलब कॉन्फिडेंस लो हो जाता है ऐसा कुछ। नहीं, देखो ऐसा नहीं है, 100 CC की बाइक है, तो अगर आप इसे वो अपेक्षाएँ रखते हैं कि नहीं हम इसको 80-85 पे राइड के हिसाब से यूज करेंगे, 90 पे चलाएंगे, तो वो तो फिर आएगा ही इशू। टोटल 99 किलो की अगर बाइक बिक गए तो आप भी समझ सकते हो उस चीज़ को,
बट मोस्टली मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर सिटी के अंदर आप चला रहे हो चंडीगढ़ शहर में, तो मुझे नहीं लगता कि आप 60 या 65 के ऊपर चलोगे। 60, 70, 70, 75 तक मैंने इस बाइक को चलाई है और वैसी कोई खास प्रॉब्लम नहीं आई कि मतलब हल्की तो है ही ये बाइक, बट इतनी कोई खास प्रॉब्लम नहीं आई। ठीक है भाई, ऑल ओवर अगर देखा जाए तो ठीक है, नो डाउट। इस बाइक का सस्पेंशन वगैरह कैसे काम करता है, मतलब फ्रंट शॉकर और बैक शॉकर, कभी खड्डों वगैरह में कोई प्रॉब्लम ज़्यादा मतलब कि नहीं? ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं अपनी दूसरी जो बाइक थी उसके अकॉर्डिंग अगर कंपेयर करूँ तो थोड़ा सा है, बिकॉज वो एक सस्पेंशन थोड़ा हार्ड है इसका। हाँ थोड़ा सा है क्योंकि वो 125 सीसी बाइक थी, अब ये 100 सीसी की बाइक है, तो थोड़ा सा है झटका, थोड़ा सा फील होता है, बट ऐसे नॉर्मली नहीं जैसे कि कहीं आप जा रहे हो अचानक से आगे गड्ढा आ गया, तो उस कंडीशन में थोड़ी सी चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों जैसा होता है ना कि मतलब कि हर चीज़ मतलब पूरी 100% परफेक्ट नहीं बनती, तो वैसे ही मतलब कि इस बाइक में भी थोड़ी बहुत कुछ कमियां हैं, वो आपके साथ शेयर कर देंगे अभी हमारे जो ऑनर हैं, तो वो आपको बता देंगे। चलिए फिर हम बात करते हैं उनसे कि इसके अंदर क्या छोटी बहुत कमियां हैं, थोड़ी बहुत जो भी कमियां हैं वो बात कर लेते हैं। वैसे वो ज़्यादा बड़ी कमियां नहीं कहेंगे, लेकिन कमियां तो कमियां ही होती हैं, चाहे छोटी कहो चाहे बड़ी। सबसे पहले कुछ बताएं आप। हाँ तो एक दो कमियां हैं जो मैंने ऑब्जर्व किया, जैसे कि मैं बताना चाहूँगा कि ये अपना साइलेंसर है, इसके ऊपर जो ये मटेरियल यूज किया है इन्होंने, आप देखेंगे तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि ये थोड़ा सा अगर और अच्छा होता या हार्ड क्वालिटी का होता तो मच बेटर होता। देखो ये इतनी हल्की क्वालिटी का है, इतना हल्का भी नहीं है, बट एक हल्का सा मतलब कि साइड में बाइक खड़ी थी और उसका फुट रेस्ट लगने की वजह से इस पर डेंट आ गया। अगर इसको कंपेयर करते हैं हम जब डीलक्स वगैरह के साथ, तो इसके हिसाब से वो ज़्यादा मतलब कि हार्ड है, मजबूत बनाया हुआ है ऐसा कह सकते हो। तो ये चीज़ें हैं, बाकी तो ठीक है। और बाकी तो जो है मैंने जो ऑब्जर्व किया अभी तक एक महीने में इसको जो यूज करके, बहुत कुछ खास नहीं लगा कमी जो इसके अंदर की जो मैंने ऑब्जर्व किया हो। बट एक दो चीज़ें हैं, जैसे कि अब आप कंपनी ने जो ये बनाया सीट और इसकी टंकी, इससे थोड़ा सा मेरे को होता है कि अगर ये थोड़ा सा इसकी हाइट जो है थोड़ी सी हल्की और ऊपर होती तो और बेटर होता। हाँ, ये चीज़ें मतलब हैं। और दूसरा इसका जो सीट और ये दोनों हाँ, मतलब वो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल 19-20 का फ़र्क है, नहीं तो आप कह सकते हो कि सेम ही है। और दूसरा मेन ये साइलेंसर का ही मेरे को लगा कि साइलेंसर इसमें जो है वो इतना ये पतला दे दिया है कि अगर आप अनकेयरफुली अगर ड्राइव करते हो कहीं पे गड्ढे गुड्ढे में या उसमें, तो मेरे को लगता है ऐसा कि हो सकता है कि यहाँ से ये डैमेज हो जाए। ये मतलब ये मेरी पर्सनल थिंकिंग है, पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है कि ना भी हो, क्योंकि ये कस्टमर अगर कंपनी ने बनाया है तो कुछ सोच के ही बनाया होगा, बट ऐसा मेरे को लगता है। तो बस यही एक दो चीज़ें हैं, बाकी तो ऑल ओवर अगर बाइक की बात करें तो बाइक बिल्कुल ठीक है, अच्छी है। और मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि अगर लो बजट में कोई अगर लेना चाहता है तो होंडा साइन ले, क्योंकि आज के टाइम में अगर आप देखोगे तो पेट्रोल 100 के आसपास है, तो हर कोई सोचता है कि एवरेज वाली बाइक हो। तो बाइक एवरेज के अकॉर्डिंग अगर कंपेयर करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा एवरेज कोई बाइक दे रही होगी, शायद प्लेटना प्लेटना दे रही होगी जो यूज कर रहे होंगे। अभी रिसेंटली मैंने नए वेरियंट जो आए हैं प्लेटना का, वो मैंने यूज नहीं किया है, तो उसके बारे में मैं ऐसे कमेंट तो नहीं कर सकता, बट मेरा मानना है कि अगर एवरेज बाइक चाहिए तो आप इस बाइक को ले सकते हो। बाइक अच्छी है ऑल ओवर देखा जाए तो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस बाइक की एक और कमी जो मुझे पर्सनली लगती है, अब पता नहीं वो ऑनर को लगती है कि नहीं लगती, पर मुझे जो पर्सनली लगती है, आप लोग देख सकते हो पीछे वाली जो सीट होती है वो थोड़ा सा ना मतलब कि थोड़ा सा ऐसे पीछे से उठी होनी चाहिए थी, थोड़ा नीचे नीचे रहती है। और अगर इस पर कोई एक और आपने पिलियन राइडर को मतलब आपने किसी अपने दोस्त को बिठा लिया पीछे, तो फिर वो थोड़ा सा और बैठी बैठी लग जाती है। ऐसा मेरे साथ मतलब कि कल मैं जब बाइक चला रहा था तो मुझे ऐसा फील हुआ रोड पर देख के, क्योंकि उस पर दो बंदे बैठे हुए थे तो वो काफ़ी ज़्यादा नीचे लगी हुई थी। तो दोस्तों ये था हमारा इस बाइक के रिलेटेड मतलब जो भी इसमें कमियाँ थी या फिर जो भी इसमें खूबियाँ थी, वो सारा कुछ मैंने इस वीडियो के जरिए आपको बताया है। बाकी ये हमारे ओनर हैं, ये इसे यूज कर रहे हैं, आगे भी फ्यूचर में भी कभी अगर इस बाइक से मतलब कि
कोई दिक्कत आएगी या कुछ तो हम इनसे कांटेक्ट करेंगे ही, हमें आपको बताने की कोशिश करेंगे हम कि हाँ ये बाइक अच्छी है कि मतलब। तो अभी फ़िलहाल के लिए वीडियो हम यही करते हैं ख़त्म, और मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और जिन लोगों ने भी बाइक को बाय किया है या फिर लेने वाले हो, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे, इससे मुझे पता लगेगा कि हमारी कितनी कितने सारे लोग हैं इंडिया के अंदर या फिर जो भी यूट्यूब चैनल पर, वो लोग कितने लोग लेने वाले हैं इस बाइक को। और जो भी आपको कमी लग रही है इस बाइक के अंदर कमेंट करना, मैं भी देखूंगा कि हाँ वो मतलब कि हमारी बाइक में भी है कि सिर्फ आपके में ही है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो कर दो लाइक और चैनल को दो सब्सक्राइब, ऐसी ढेर सारी वीडियो के साथ मैं आपके साथ आता रहूँगा।